नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई समस्या ज़्यादा देर तक लंबाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग कई प्रयत्न करने के बाद भी उनको उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको पैसे तो मिलते हैं लेकिन उनके घर में पैसे टिकते नहीं। तो इस टाइप के पैसे का भी कोई अर्थ नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि पैसे आए और पैसे चले गए तो सामने वाला बिना पैसे के ही रह जाता है। तो जिन लोगों के साथ इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं, ऐसे लोगों को ये क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। इस क्रिया को करने मात्र से दोस्तों आपके घर में पैसे आएंगे भी और पैसे टिकेंगे भी। ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों ये क्रिया आपको शुक्रवार के दिन करनी है, शुक्रवार शाम को। शुक्रवार का दिन और शाम का समय। इस क्रिया को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अगर महिलाएं करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये क्रिया आप माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, शुक्रवार की शाम को आपको एक नया लाल कपड़ा ले लेना है, रूमाल की साइज का कोरा कपड़ा होना चाहिए, और एक मुट्ठी शक्कर और उसमें थोड़े से आपको चावल मिला देने हैं। दोस्तों याद रहे, चावल साबुत होने चाहिए, टुकड़े नहीं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल आप उसमें मिला दें। और एक एक रुपए के आपको 3 सिक्के उसमें डालना है। शक्कर एक मुट्ठी आपको इस तरह से मुट्ठी भर लेनी है शक्कर में से, और थोड़े से चावल, और एक एक रुपए के 3 सिक्के आपको उस कपड़े में रख लेने हैं। और कपड़े में रखने के बाद उसकी एक पोटली बांध लेनी है। पोटली बांधने के बाद आपको अपने हाथ में वो पोटली लेके, या तो आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं या फिर खड़े रहके पर माता लक्ष्मी की कुछ भी आप कोई भी आराधना करते हैं तो बैठ के करेंगे तो बेहतर होगी। इसलिए कोई स्वच्छ स्थान देखें अपने घर में या फिर अपने पूजा स्थान में ही बैठ जाएं, और उस पोटली को अपने दोनों हाथ में इस तरह से ले लें। और माता लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम नमो लक्ष्मी माताए नमः, या फिर ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। ये दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। क्या करना है, मंत्र में फिर से बोल देता हूं, ओम नमो कमलवासिने स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, 21 बार पोटली की तरफ देखते हुए 21 बार बोलने के बाद आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। सिंपल क्रिया है, हाथ में पोटली लेके और 21 बार इस मंत्र को बोलना है। और ये मंत्र बोलने के बाद आप उस लाल कपड़े की पोटली को अपने घर की उत्तर दिशा में, अगर आप जमीन का मकान है तो जमीन खोद के उसको जमीन में गाड़ दें। दिशा उत्तर होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे
किसी और दिशा में ये क्रिया नहीं की जा सकती। और अगर आपका कोई बिल्डिंग का मकान है या फिर आपके मकान में कच्ची जमीन नहीं है, तो आप कुछ इस टाइप का करें कि उस पोटली को रख के कोई एक बड़ा सा पत्थर ले लें या कुछ भी इस टाइप का ले लें जिसके नीचे उसको दबा दें। बस ये क्रिया करने के बाद दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी आपके घर में बंद के रह जाएगी, आपके धन स्थान में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी अपना निवास करेंगी और पैसे की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी, पैसे आपके यहाँ निरंतर आते रहेंगे, आते भी रहेंगे और टिक के रहेंगे भी। तो ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, करने के लायक है, करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार।